بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to my channel, Rakshik Ideas. Subscribe to watch it more. अब हम लोग जा रहे हैं उमरा करने के लिए हरम शरीफ के मस्जिद आयशा रजी अल्लाह ताला अनो, यहाँ से एहराम बांधेंगे। यहाँ जी हरम की हद खत्म होती है और हम हरम की हदूद से बाहर हैं। ये रश देखें कितनी बड़ी लाइन है। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। ये ले जी, हम लोग खड़े हैं इब्राहिम खलील रोड पर और ये कुबरी के नीचे से हम लोग टैक्सी करवाएंगे। आज हम लोग जा रहे हैं मस्जिद आयशा, वहाँ से हम लोग आज करेंगे उमरा। हम लोगों ने जी टैक्सी करवाई है से मस्जिद आयशा और मस्जिद आयशा से मक्का आउटब्रेक करेंगे थोड़ी देर के लिए, बस वहाँ जाएंगे। जोहर की हम लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ेंगे और एहराम की नियत करेंगे, उमरे की नियत करेंगे और वापस आएंगे। यहाँ पे जी ये हरम की हद जो है वो ख़त्म होती है, मस्जिद आयशा जो है वो हरम की हदूद से बाहर है। मक्का में रहते हुए अगर आपको दूसरा उमरा करना है तो आपको हरम की हद से बाहर जाना होता है, तो ये मस्जिद आयशा जो है हरम की हद से बाहर है, तो लोग मोस्टली यहाँ आते हैं। मस्जिद जिवराना भी जाते हैं, वहाँ की भी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग मेरा वही आएगा। कितने लोग लाइन में खड़े हुए हैं और ये सब लोग जो खड़े हैं ये मक्का बस जो फ्री सर्विस है मक्का वालों की तरफ से उसकी लाइन के लिए खड़े। बहुत रश है रमज़ान की वजह से। ये ले जी पहुंच गए हम लोग मस्जिद आयशा। ये जी मस्जिद आयशा, उमरा करने के लिए आए हैं, हरम से टैक्सी करवाई है और जा रहे हैं भाई मेरे हस्बैंड, नफिल पढ़ेंगे, उमरे की नियत करेंगे और निकलेंगे। और यहाँ पे मक्का की तरफ से फ्री बस भी आ रही है, उसकी लाइन थी उस तरफ फ्री है तो बहुत ज़्यादा क्राउड था उस पर, बहुत बड़ी लाइन थी। इस तरफ ये सारे वॉशरूम हैं जिनको वॉशरूम जाना है वजू करके, और शावर रूम भी होते हैं इसके अंदर, अगर शावर करना है वो भी कर सकते हैं। इस तरफ लेडीज़ है, इस तरफ जेंट्स है, जेंट्स का भी यहाँ से है। आज जी 25-24 रमजान है, 25 की रात है, रश बहुत ज्यादा है। ये है जी मस्जिद आयशा जो हरम की हदूद से बाहर है, प्यारी सी है माशाल्लाह। ये जेंट्स की साइड है सारी और इस तरफ बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही, मैंने कभी इतना रश नहीं देखा, हज के दिनों में भी नहीं देखा था। पता नहीं इस रमज़ान लगता है कुछ ज़्यादा ही लोग आए हैं। ये फ्री बस है ये मक्का से लेके आती है मस्जिद आयशा उमरे के लिए विदाउट एनी चार्जेस, तो इसके लिए फिर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और ब्रिज क्रॉसिंग के लिए हम लोग उस साइड से आते हैं, लेकिन इस बार हमारा गाड़ी वाला बैक साइड से ले आए। जी टैक्सी वाले ने हमसे लिए हैं 30 रियाल आउटबैक के,
10 मिनट का इन्होंने वेट किया है, फिर उसी टैक्सी पे हम लोग वापस जा रहे हैं, हरम के गेट पे ड्रॉप करेंगे। जोहर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, इंशाल्लाह असर हरम जाके पढ़ेंगे। ये मक्का टावर तो हर जगह से नज़र आता है दूर दूर से। सारे रास्ते बंद, टैक्सी वाले ने हमें बहुत पीछे उतारा है। नमाज का टाइम होने वाला है तो नहीं जाने दिया, अब बहुत पीछे उतारा है, इतना पैदल चलना है। उम्रे की तो ताकत ही खत्म हो जाएगी। पच्चीस मिनट की रात है भाई आज। ये देखें जी, ये बड़ी उम्र की औरतें हैं, अल्लाह इनको हिम्मत दे, सेहत दे, ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अभी हमारी आई थिंक 15 मिनट की वॉक ऑलमोस्ट है। ये देखें भाई, इतना पीछे हमें उतारा है, फिर सारे पैसे भी दिए, वही चलना पड़ गया। लोगों का ना फुल दिमाग खराब है, रमजान में तो कुछ ज्यादा ही खराब है। असल में ये लोग सही करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो फिर पैदल चलने वालों के लिए मसला हो जाता है, तो बहुत पीछे से ही नमाज से एक घंटा पहले ये लोग सारे रास्ते बंद कर देते हैं, तो फिर गाड़ियाँ पीछे ड्रॉप करती हैं। लेकिन अभी तो नमाज में टाइम है। ये है जी इब्राहिम खलील रोड, ये कुबरी है, यहाँ से अक्सर टैक्सी और बसेस मिल जाती हैं और हम लोग भी यहीं से कहते हैं, लेकिन अभी नमाज का टाइम होने वाला है तो ये बंद कर देते हैं इस तरफ के एंट्रेंस, तो इस वजह से बहुत पीछे होता आ रहा है टैक्सी वाले ने हमें, और वॉक करके आ रहे हैं, गाड़ियां वापस जा रही हैं लेकिन आ नहीं रही हैं, तो इंशाल्लाह असर तक पहुंचाएंगे हम लोग हरम, नमाज वहीं पढ़ेंगे जी। बहुत मुश्किल से अंदर जगह मिली है, असर पढ़ ली है, अब बस इफ्तारी का टाइम होने वाला है तो इफ्तार करके उसके बाद ही हम लोग अपना उम्रा शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा रश है। ये देखें जी, ये इफ्तारी बॉक्सेस लेके जा रहे हैं, ये जो तवाफ़ कर रहे हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और हरम का जो सहन है वहाँ पर। इस वक्त ये 5:30 हो रहे हैं, अभी से ये लोग स्टार्ट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। ये देखें जी कितना रश है, ये इफ्तारी के बाद सब उम्रे के लिए आ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा क्योंकि बड़ी रात स्टार्ट हो गई, 25वीं की रात है आज। मैं वेट कर रही हूँ भाई और हस्बैंड के आने का, वो लोग ऊपर ही थे, उन्होंने ऊपर इफ्तार की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तवाफ़ कर लिया है, इशा की नमाज का टाइम होने वाला है, अजान आने वाली है, तो इशा पढ़ के फिर हम लोग इंशाल्लाह सही करेंगे, सफ़ा और मरवा करेंगे। ये देखें कितना रश है, 25वीं की रात है, रश देखें कितना है।
तवाफ ख़त्म किया तो इशा की नमाज का टाइम हो गया। इशा पढ़ के फिर अब हम लोग सफ़ा मारो कर रहे हैं। ये मैं थर्ड फ्लोर पर हूँ, मैं कर रही हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर से। इसकी फुल डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर मेंशन है। और दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे ताकि नेक्स्ट टाइम मैं खुद विदाउट इलेक्ट्रिक स्कूटर से सही करूँ। उमरा ख़त्म होने के बाद ये बिल्कुल पीछे वाली गेट से बाहर निकालते हैं, हरम के अंदर नहीं जाने देते हैं। अगर आपको हरम के अंदर जाना है तो पूरा घूम के अगेन बाब अब्दुल अज़ीज़ गेट से आपको एंट्री मिलेगी हरम के अंदर जाने के लिए। अगर आपको जाना है तो हमें दोबारा जाना है, मुझे जाना है। नमाज लेल होगी रात को 12 बजे, अभी 11 हो रहे हैं तो हम लोग जाएंगे अभी डिनर करेंगे। जो हमारा इफ्तारी और डिनर सब कुछ अभी होगा वो करके फिर मैं वापस जाऊँगी। तो रमज़ान में यह है कि ये चलना बहुत पड़ता है, रश की वजह से आप स्लो स्लो चलते हैं, लेकिन रमज़ान का जो मज़ा है वो तो अलग ही बात है। ये रौनकें आम दिनों में नहीं होती जो रमज़ान की रौनकें हैं। तो चलते हैं हम लोग डिनर करने के लिए। रश देखें कितना ज़्यादा है, मोस्टली ज़्यादातर लोग उमरा करके निकल रहे हैं। टाइम बहुत कम था मेरे पास क्योंकि नमाज लेल शुरू होने वाली है, 11:30 हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में हमें जो मिला हम लोगों ने वही लिया जिस पे रश कम था। अलबैग का मूड था लेकिन अलबैग पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आज तो जो क्विक सर्विस में अवेलेबल मिला वो भी लगी थी। तारीख के बाद कुछ नहीं खाया, तो जो अवेलेबल है आप उसको अवेल करें और इन्जॉय करें रमज़ान को। और दुआ में याद रखिएगा, व्लॉग अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like and follow.